जय नारायण बच्चों, अब आप लोग टिपटिपुआ का भाग दो पढ़ेंगे। भाग एक में आपने जाना कि किस तरह से शेर टिपटिपुआ का नाम सुनकर के वहाँ से भाग गया, और धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था। सुबह से परेशान था, बारिश की वजह से उसका गधा ना जाने कहाँ चला गया था, धोबी को मिल नहीं रहा था। तो धोबी की पत्नी ने उसको सलाह दी कि गांव के पंडित जी से जा कर के पूछो। धोबी को अपनी पत्नी की बात पसंद आ गई थी। धोबी ने अपनी पत्नी की बात को मान करके एक मोटा सा हाथ में लठ लिया, और लठ जानते ना, एक मोटा सा लकड़ी का जो होता है लाठी टाइप की, उसे लठ कहते हैं। तो एक मोटा सा हाथ में लठ लिया और पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा, जब वो पंडित जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर यानी कि किसी बर्तन से वो पानी को उठाकर निकाल करके बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि पंडित जी के घर में भी पानी भर गया था। तो उसने देखा कि वो पानी को फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री से यानी कि वो एक मिनट भी नहीं रुका, उस इस बात का इंतज़ार भी नहीं किया कि पंडित जी मुझे देखें, कुछ बोले, उसने कुछ भी जो है नहीं सोचा, और तुरंत पंडित जी से कहा कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा अपनी पोथी बाँच कर बताइए तो कि वो कहाँ गया है। तो पंडित जी ने जैसी उसकी बात सुनी वो एकदम नाराज़ हो गए, क्योंकि सुबह से वो इतना ज़्यादा बारिश से परेशान थे कि उनके घर में पानी सारा इकट्ठा हो गया था, और वो सुबह से उस पानी को उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से थक चुके थे। और जैसे ही पंडित जी ने जब ये सुना कि ये धोबी अपने गधे के बारे में पूछने आया है, तो पंडित जी नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर गुस्से में बोले, मेरी पोथी क्या तेरे गधे का पता बताने के लिए है जो मुझसे पूछने के लिए आ गया? अरे जाकर के उसे कहीं किसी गढ़े पोखर में ढूंढ। अब ये गढ़े पोखर क्या होती है, जो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और उसमें जब पानी भर जाता है तो उसी को गढ़े पोखर कहते हैं। तो पंडित जी ने गुस्से में धोबी को इस तरह से जवाब दिए कि क्या मेरी पोथी तुम्हारे गढ़े का पता बताने के लिए है क्या, जाओ जाकर के उसे किसी गढ़े पोखर में ढूंढो। अब बेचारा धोबी सीधा साधा था, धोबी तो वहाँ से चला गया, और पंडित जी लगे फिर से अपने घर का वो सारा जमा पानी बाहर निकाल निकाल कर फेंकने। उसके धोबी के वहाँ से जाने के बाद धोबी चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुँचा। तालाब के किनारे उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी घास थी, और तब तक जो है शाम भी हो चुकी थी, तो उसे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था उस घास में से उसे थोड़ी सी कुछ हिलने की आवाज़, मतलब हिलता हुआ कुछ नज़र आया। तो धोबी ने घास में सोचा कि हमारा गधा है, तो उस घास में धोबी अपने गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं उसी घास में छिप करके बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि भाई अंधेरा हो चुका था, धोबी ने देखा नहीं कि वहाँ पे गधा है कि बाघ है। धोबी को लगा कि यहाँ पे कुछ, मतलब ये घास की जो पत्तियाँ, जो बड़ी बड़ी घास है, ये हिल रही हैं, तो उसको लगा कि ज़रूर जो है मेरा गधा यहीं छिप करके आकर के बैठा है। तो उसने आओ देखा न ताओ और बाघ पर अपना मोटा लठ बरसाने लगा, कि मतलब उसको इतनी गुस्सा आई धोबी को कि उसने कुछ भी नहीं सोचा समझा, और अपने उस मोटे वाले लठ से बाघ को मारना शुरू किया। अब बाघ बेचारा वहाँ पर टिपटिपुआ के डर से छिप कर बैठा हुआ था। बेचारे बाघ के ऊपर जब अचानक से इस तरह से लाठी का हमला हुआ, तो बेचारा बाघ एकदम घबरा गया, वो डर गया। उसने मन में सोचा कि बाप रे, लगता है यही टिपटिपुआ है, बताओ इसी के डर से तो मैं यहाँ पर छिप कर आकर के बैठा हूँ, और इस टिपटिपुआ ने मेरा यहाँ भी पता लगा लिया, तो अब तो मेरी खैर नहीं, अब जो है ये मुझे मारेगा। और देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से मारा, वो अपने मन में यही सोच के परेशान था। बाघ ने सोचा कि अब अगर अपनी जान बचानी है तो मैं कुछ ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा ये बोले बस मैं वैसा ही करता चला जाऊँ। ये सोचकर बाघ ने कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया दी, कुछ भी नहीं बोला, और वो चुपचाप उसी झाड़ी में बैठा रहा और मोटे लट्ठे से धोबी उसको मारता रहा। धोबी ने कहा कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया। धोबी ने सोचा ये उसका गधा है, तो धोबी ने गुस्से में कहा कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मैं दिन भर तेरी तलाश में इधर उधर घूमता रहा, तुझे पता है मुझे कितनी परेशानी हुई, पंडित जी ने भी मुझे कितना डांटा, तेरी वजह से मैं गया था उनसे तेरा पता पूछने के लिए, और तेरी वजह से मुझे उनसे भी डांट सुननी पड़ी, आज तुम्हें मार मार कर तेरा कछुआ निकाल दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर
धोबी ने तुरंत उस गधे का कान पकड़ा, गधे यानी कि बाघ का। धोबी ने सोचा ये मेरा गधा है, लेकिन वो बाघ था। अंधेरा होने की वजह से धोबी उसे देख नहीं पाया, तो उसने उसका कान पकड़ा तेजी से और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेकर के चल दिया। धोबी ने कहा चल आज तेरी कब्र अच्छे से मैं अपने घर में लूँगा। और ले जा कर के उसे जहाँ पर वो अपने गधे को खूंटे से बांधता था, उसने उस बाघ को भी बांध दिया, बिना ये जाने समझे, बिना ये सोचे समझे, देखे कि ये मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ, ले जा करके उसने बांध दिया। यहाँ बाघ भी बिना कुछ भी बोले चुपचाप एकदम डर के मारे उसके पीछे पीछे साथ में चला गया और जा करके उस खूंटे से बंध गया। सुबह जब हुई तो गांव वालों ने देखा कि अरे धोबी के घर में तो एक बाघ बंधा हुआ है। गाँव वाले सोचने लगे कि अरे धोबी तो बड़ा बहादुर है, पहले ये यहाँ पर खोटे में गधे को बांध के रखता था, लेकिन आज तो इसने यहाँ पर बाघ को बांध कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत बहादुर है। और इधर जब धोबी घर के बाहर आया, उसने देखा घर के बाहर बहुत भीड़ है, तो उसने सोचा कि क्या बात है, आज मेरे घर के बाहर इतने सारे लोग क्यों जमा है। तो धोबी ने जब देखा खोटे की तरफ तो वहाँ पर बाघ बंधा था। अब धोबी को समझ में आ गया कि अरे ये तो मैं क्या कर लाया, रात को मैं अंधेरे में देख नहीं पाया, मैं अपने गधे के धोखे में बाघ को ले आकर के यहाँ बांध दिया। अब धोबी के डर के मारे एकदम से हालत ख़राब थी, लेकिन धोबी कुछ भी नहीं बोल रहा था। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सबक मिला? यही कि हमें कभी भी बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने समझे उस पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जैसा कि पाठ में आपने देखा कि बाघ ने किया, बाघ ने ये कुछ भी नहीं सोचा समझा कि ये टिपटिपुआ क्या चीज़ है, केवल एक टिपटिपुआ का नाम सुन करके वो वहाँ से चुपचाप कितनी तेज़ी से भाग गया था और अपनी जान बचाने के लिए जा कर के वहाँ तालाब के किनारे छिपा। इधर धोबी ने भी कुछ न जाना, न समझा, न देखा और अपने गधे के धोखे में बाघ को उठाकर ले आया, अपने घर में बांध दिया। तो इसी तरह से बच्चों, आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी बात को पूरी तरह से बिना जाने समझे किसी चीज़ पर फैसला नहीं लीजिएगा।